गोविंदगढ़ इलाके में राहगीरों का अपहरण कर मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों पुलिस कर्मियों को गुरुवार को अलवर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार आरोपी कांस्टेबल रामजीत गुर्जर को जेल भेज दिया गया है। वहीं लूट का मुख्य आरोपी राहुल खान पुलिस रिमांड पर चल रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 27 जुलाई की शाम को साहिल खां और उसका साला खालिद बाइक पर सवार होकर गांव झीत रेडी से गोविंदगढ़ आ रहे थे। गोविंदगढ़ के भैसड़ावत मोड़ के समीप बोलेरो में सवार होकर एनईबी थाने के कांस्टेबल अनीश खान व गंगाराम शिवाजी पार्क थाने का कांस्टेबल नरेंद्र और उनका साथी युवक राहुल खान आए, जिन्होंने उनकी बाइक को रोका और जबरन अपनी बोलेरो गाड़ी में बैठाकर जंगल में ले गए। वहां आरोपी पुलिस कर्मी और उनके साथी ने साहिल और उसके साले खालिद के साथ मारपीट कर 27,000 रुपए छीन लिए और 13,000 रुपए ऑनलाइन खाते में ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद उन्हें वहीं छोड़कर फरार हो गए। देखिए, ये गोविंदगढ़ थाने पे 29 जुलाई को हमारे पास एक परिवादी रिपोर्ट लेके आए थे, साहिल नाम के परिवादी, के मैं अपने साले के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो पीछे से एक प्राइवेट गाड़ी में चार लोग आए जिन्होंने मुझे रोका, मुझे और मेरे साले को अपने गाड़ी में बिठाया और हमें एक जंगल में ले जाकर हमारे से 27,000 रुपये छीन लिए, हमारे साथ मारपीट की और 13,000 रुपये पेटीएम या फ़ोनपे के मतलब डिजिटल माध्यम से भी मेरे अपने अकाउंट में डलवा के हमें वहाँ जंगल में छोड़ के चले गए। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ, अज्ञात चार लोगों के खिलाफ लूट में एक मुकदमा गोविंदगढ़ थाने पे 29 तारीख को ही दर्ज कर लिया गया था। आगे बढ़ते हुए एसएचओ गोविंदगढ़ की टीम ने जो आइडेंटिफाई किया कि जैसे जो गाड़ी नंबर बताया गया और जिस डिजिटल माध्यम से जिसके अकाउंट में पैसे गए उसमें एक आरोपी का चिन्हित होना हमारे सामने आया जिसका नाम है राहुल, ये इसमें मुख्य मुलजिम लूट में था। साथ ही पूछताछ में अभी हमारे पास तीन लोगों के नाम आए हैं जो इस राहुल के साथ इस लूट में इन्वॉल्व थे। ये तीनों अनीस, गंगाराम और नरेंद्र कांस्टेबल के नाम से, जो अलवर पुलिस के कांस्टेबल अनीस और गंगाराम एनईबी थाने पे पदस्थापित थे और नरेंद्र जो था वो शिवाजी पार्क थाने पे पदस्थापित था। इसके साथ साथ एक और कांस्टेबल रामजीत जो सदर थाने पे पदस्थापित था उसको आज अरेस्ट किया गया है। उसने परिवादी को डरा धमका के झूठी एविडेंस देने और राजीनामा प्रस्तुत करने का दबाव बनाया था। रामजीत को अरेस्ट किया जा चुका है और इन चारों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करते हुए जो इनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई है वो की जा रही है। ये तीनों मुख्य मुलजिम जो कांस्टेबल भी हैं और जो लूट के मुख्य मुलजिम भी हैं ये दिनांक 30 तारीख से गैर हाजिर भी चल रहे हैं। किसी भी मामले में और चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कानून सबके लिए सेम होता है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है और अगर ये पुलिस विभाग के कोई कर्मचारी भी इस तरीके से इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो उनके साथ भी निश्चित रूप से उसी तरीके से बिहेव किया जाएगा, उसी तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिस तरीके से किसी भी और के साथ की जाती है। घटना के संबंध में परिवादी साहिल खान ने 29 जुलाई को गोविंदगढ़ थाने में लूट का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने वारदात में शामिल आरोपियों को चिन्हित किया। इसके बाद बुधवार को खुलासा करते हुए लूट की वारदात में शामिल मुख्य आरोपी राहुल खान, पुत्र महमूद खान निवासी पिपरौली रामगढ़ और परिवादी को डरा धमका कर राजीनामे के लिए दबाव बनाने वाले सदर थाने के कांस्टेबल रामजीत गुर्जर, पुत्र हरबीर गुर्जर निवासी झीत रेड़ी थाना नगर भरतपुर को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद 30 जुलाई से ड्यूटी से गैर हाजिर होकर फरार चल रहे लूट के आरोपी कांस्टेबल अनीश खान, पुत्र शकरुद्दीन खान निवासी बल्लाना थाना अरावली विहार, गंगाराम पुत्र रत्तीराम गुर्जर निवासी तालेड़ा थाना गोविंदगढ़ और नरेंद्र पुत्र नन्नूराम जाटम निवासी सैथली थाना सदर को गुरुवार को देर शाम गिरफ्तार कर लिया। लूट की वारदात में चारों कांस्टेबलों के शामिल होने का खुलासा होते ही जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करते हुए आरोपी कांस्टेबल अनीश खान, गंगाराम गुर्जर, नरेंद्र जाटा और रामजीत गुर्जर को बुधवार को ही निलंबित कर दिया था। आरोपियों के खिलाफ अन्य विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 26 तारीख की साहिल की शादी थी, 27 तारीख को सुबह सोनार के लिए पैसे देने के लिए शाम को पैसे देने के लिए आ रहे थे।
रास्ते में बोलेरो गाड़ी मिली, जिन्होंने हाथ दिया और मोटरसाइकिल रोक के ने कहा कहाँ जा रहे हो, कहने पर हमको पटक लिया, जिनको पटक लिया बोलेरो में, और पटकने के बाद में दोंगड़ी वाले जंगल में ले गए। वहाँ जाकर नहीं, इनसे 27,000 रुपये इनके पास कैश था जो इनसे ले लिया। बाकी मोबाइल छीनने के बाद में, ऐप खुलवाने के लॉक खोलने के बाद में 13,000 रुपये मोबाइल में निकले, जिनको भी अपने खाते में डलवा कर ले गए। मतलब मारा कूटी करी और बाद में इनको छोड़ के चले गए। हमने बाद में आके थाने में एफ आई आर दर्ज कराई और गाड़ी के नंबर दिए, गाड़ी के नंबर हमने ऐड कर लिए थे। बाकी उसी क्रम पे जहाँ के चल रहा खाता नंबर हमने ले लिया, जिस खाते में पैसे गए उस क्रम पे भेज चल रहा।